हेलो एवरीबरी वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर रिवीजन क्लास थ्रू आर की नोट्स आज हम जस्ट चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल ये की नोट्स आपको टी डॉट एम ई स्लैश आनंद मनी जीरो जीरो वन टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं तो आप वहाँ पर जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ये नोट्स आपको आनंद मनी डॉट कॉम वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें तो चलिए एनिमल टिश्यूज को रिवाइज करते हैं थ्रू की की नोट्स दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स पर बात की गई है एक हमारे पास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सारी चीजें डाइजेशन रेस्पिरेशन रिप्रोडक्शन एक सेल से होती है और मल्टी सेल्युलर के अंदर बहुत सारे सेल्स मिलकर इन फंक्शंस को करते हैं सेल्स के इसी एसोसिएशन से टिश्यूज बनते हैं जिसके बारे में हाज हम इस चैप्टर में रिवाइज करने वाले हैं टिश्यूज को हम क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका ऑरिजिन सेम हो स्ट्रक्चर सेम हो और फंक्शन सेम हो वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं एनिमल टिश्यूज आप फोर टाइप्स के पढ़ेंगे एपिथीलियल कनेक्टिव मस्क्यूलर एंड न्यूरल तो एक एक करके इन टिश्यूज को रिवाइज कर लेते हैं स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एपिथीलियल टिश्यूज से या जिसे हम एपिथीलियम कहते हैं एपिथीलियल टिश्यू फ्री सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं या तो वो बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहे होंगे या आउटसाइड एनवायरनमेंट को ज़्यादातर ये लाइनिंग का काम करते हैं बॉडी की लाइनिंग या बॉडी पार्ट्स की लाइनिंग ये सेल्स बहुत कंपैक्टली पैक्ड होते हैं इनके बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम होता है दो तरीके के एपिथेलियल टिश्यूज हम पढ़ेंगे एक पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज दूसरे पढ़ेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज अगर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है तो उसे हम कहते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और अगर लेयर ऑफ सेल्स एक से ज्यादा होती है तो उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज शुरू करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्य से सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज आपको ज्यादातर मिलेंगी जब वो किसी बॉडी कैविटी को लाइन कर रहे होंगे कोई डक्ट्स में प्रेजेंट होंगे या कोई ट्यूब्स में प्रेजेंट होंगे अपनी मोडिफिकेशन के अकॉर्डिंग सिंपल एपिथीलियम भी तीन तरीके के होते हैं सबसे पहले सिंपल स्क्म सिंपल स्क्सिथिलियम में वो सेल्स आते हैं जो कि फ्लैट होते हैं उनकी बाउंड्रीज इेगुलर होती हैं और न्यूक्लियस सेंटर पर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस सेंटर पर प्रेजेंट होता है ये आपको दो एग्जांपल्स इनके लिए एनसीईआरटी में गिवन है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं और लंग्स की alveoli में प्रेजेंट होते हैं ये वहाँ पर डिफ्यूजन का फंक्शन करते हैं ये फिल्ट्रेशन का भी फंक्शन करते हैं ये सिक्रीशन का भी फंक्शन करते हैं फिर आते हैं हमारे पास क्यूबॉइडल या क्यूबिकल एपिथिलियल टिश्यूज ये सेल्स क्यूब लाइक होते हैं ये ग्लैंड्स की डक्ट्स बनाते हैं और nephron के ट्यूबुलर पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं ये वहां पर secretion और absorption का का काम कर रहे हैं इनका एक एग्जाम्पल जिससे कई बार क्वेश्चन फॉर्म होता है कि ये यानी कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स ऑफ ट्यूबुलफ्रॉन में प्रेजेंट होते हैं वहां पर इन सेल्स के फ्री सर्फेस पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इनको नाम दिया जाता है ब्रश बोर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथिलियम का इन्हें हम कहते हैं ब्रश बोर्डर्ड जब माइक्रोविलाई पीसीटी में प्रेजेंट होने वाले क्यूबॉइडल सेल्स पर प्रेजेंट होता है तो पीसीटी में आपको मिलेगा ब्रश क्यूबॉइडल एपिथीलियम इस पॉइंट से कई बार हमें क्वेश्चन मिल जाता है बाकी आपको डक्ट्स डक में मिलते हैं तीसरा एपिथीलियम जो आपको पढ़ना है वो यहां पर आएगा कॉल्यूनर एपिथीलियम एपीथिलियम के जो सेल्स होते हैं वो टोल होते हैं स्लेंडर सेल्स होते हैं इंपॉर्टेंट चीज और डिफरेंस ये है कि इनका न्यूक्लियस बेस पर प्रेजेंट होता है स्क्वेमस एपिथीलियम और क्यूबॉइडल एपीथिलियम दोनों का न्यूक्लियस सेंटर में होता है लेकिन आपके पास जो कॉल्यूमनर एपिथिलियम है उनका न्यूक्लियस बेस पर प्रेजेंट होता है

तो वहां पर भी इनका फंक्शन सिक्रीशन और अबसेप्शन का रहता है आप यहाँ पे डायग्राम से स्क्मस की बॉटल और कॉल्यूनियर एपिथिलियम को देख सकते हैं सिंपल के अंदर सिंगल लेयर प्रेजेंट है फैट सेल्स की क्यूब लाइक सेल्स की और टोल और सिलेंडर सेल्स की बहुत सारी लेयर प्रेजेंट होती है तो उसे हम कंपाउंड एपिथीलियम बोलते हैं कंपाउंड एपिथीलियम के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं दैट इज स्ट्रेटिफाइड 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 तो एपिथीलियम एपिथीलियम होता होता है होता है क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड पॉल्यूनर एपिथीलियम भी होता है एक और एपिथीलियम के बारे में हम पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं शूडो स्ट्रेटिफाइड शूडो का मतलब होता है फोल्स तो ये एपिथीलियम एक्चुअली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का ही बना होता है

ियम ज्यादातर होलो ऑर्गन्स के इनर सर्फेस पर होती है इसमें दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपके सामने गिवन है एंड फेलोपियन ट्यूब जिससे कई बार क्वेश्चन आता है Cilia का वहाँ पर प्रेजेंट होना पार्टिकल्स को मूव करवाता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन जैसे ब्रॉन्स में डस्ट की मूवमेंट के लिए और फेलोपियन ट्यूब्स में एग की मूवमेंट के लिए ये दोनों से हमें कई बार क्वेश्चन मिलता है एक और एपिथिलियम के बारे में हमें जानना है दैट इज ग्लैंडुलर एपीथिलियम अगर सिंगल सेल ग्लैंड की तरह बिहेव करता है तो वो यूनिसेल्यूलर ग्लैंडुलर एपिथीलियम बनाता है और अगर बहुत सारे सेल्स कुछ सिक्रीशन कर रहे हैं ग्लैंड की तरह तो वो मल्टी सेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथीलियम बनाते हैं दोनों ही एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं ग्लैंडुलर एपिथीलियम दोनों एपिथीलियम बना सकते हैं या कॉल्यूमनर या फिर क्यूबॉइडल अगर उनके सेल्स स्पेशलाइज हो जाए और कुछ ग्लैंड जैसा सिक्रीशन करने लगे तो वो ग्लैंडुलर एपिथीलियम बनाएंगे दो तरीके के सेल्स हो सकते हैं जो सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो यूनिसेलर मल्टी सेल्युलर अगर कोई एक सेल ग्लैंड की तरह बिहेव करे जैसे आपकी एलिमेंट्री कैनाल में गॉबलेट हैं वो यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथीलियम बना रहे हैं या जैसे कि आपके सेलिवरी ग्लैंड जहां पर बहुत सारे सेल्स सिक्रीशन कर रहे होते हैं तो वो मल्टी सेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथीलियम बनाते हैं अपने टाइप ऑफ सिक्रीशन या मोड ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पर भी ग्लैंड दो तरीके के होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अगर सिक्रीशन डक्ट्स के थ्रू हो किसी ट्यूब्स के थ्रू हो तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन में म्यूकस सलाइवा ईयर वैक्स ऑयल मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह आते हैं अगर ग्लैंड के सिक्रीशन किसी डक्ट के थ्रू ना हो डट लेस हो डायरेक्टली आपके फ्लूड के अंदर फ्लूड के अंदर रिलीज हो जाए सिक्रीशन जैसे कि हॉर्मोन्स की होती है तो वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड बनाते हैं

ये आपको कहाँ मिलेंगे कोई ड्राई सर्फेस ऑफ स्किन को कवर कर रहे होंगे प्रोटेक्शन देने के लिए मोइस्ट सर्फेस ऑफ बक्कल कैविटी फेरिंग्स इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लान्स एंड पेनक्रिएटिक इतना आपको जानना है कंपाउंड एपिथीलियम के बारे में कंपाउंड एपिथीलियम के लिए हम स्ट्रेटिफाइड वर्ड यूज करते हैं ये बात हम पहले देख चुके हैं फिर एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इस चैप्टर में पता होनी चाहिए दैट इज अबाउट सेल जंक्शन सेल जंक्शन से एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सेल जंक्शन आपको कहाँ मिलते हैं तो सेल जंक्शन हमें एपिथिलियल टिश्यू के अंदर मिलते हैं अभी हम इसके बाद मस्कुलर न्यूरल टिश्यू भी पढ़ेंगे लेकिन हमें एपिथीलियल टिश्यू में ही सेल जंक्शन देखने को मिलते हैं सेल जंक्शन दो सेल्स के बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करते हैं सेल जंक्शन तीन तरीके के आप लोग पढ़ोगे टाइट जंक्शन जंक्शनिंग जंक्शन गैप जंक्शन जो क्वेश्चन आपको इनसे मिलता है टाइट जंक्शन एकदम टाइटली दोनों सेल्स को बाइंड करते करते हैं तो तो वो लीकिंग अलाउ नहीं करते, तो जब भी की वर्ड मिलेगा अलाउ ना करे तो वो टाइट जंक्शन होगा एडेरिंग जंक्शन के बीच में कुछ ऐसा मटीरियल रहता है जो कि दोनों सेल्स को आपस में सीमेंटिंग दोनों को सीमेंट की तरह ज्वाइन करके रखता है तो सीमेंटिंग यहाँ पर कीवर्ड है सीमेंटिंग जब भी होगा वो आपको एडेरिंग जंक्शन से एसोसिएटेड मिलेगा तीसरा जंक्शन जो आपको पढ़ना है वो गैप जंक्शन है गैप जंक्शन के लिए जो कीवर्ड आपको याद रखना है वो है कम्युनिकेट तो दोनों सेल्स के बीच में जब साइटोप्लाज्म कनेक्टेड होगा दोनों सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे सेल्स के बीच में आयंस स्मॉल मॉलिक्यूल्स और कभी कभी बिग मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर हो पाएगा तो उनके बीच में गैप जंक्शन प्रेजेंट होगा तो उनके बीच में गैप जंक्शन प्रेजेंट होगा ये तीन तरीके के जंक्शन हमको पढ़ने थे फिर हमारे पास आ जाता है सेकेंड टिश्यू एपिथिलियल टिश्यू के बाद हमारे पास प्रेज आता है सेकेंड नंबर पे कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कनेक्शन का काम कर रहा है तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है बाकी टिश्यूज और ऑर्गन को लिंक करता है सपोर्ट करता है सबसे ज्यादा अबेंडेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर यही होता है हर कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होंगे जो अलग अलग तरीके के फाइबर रिलीज कर रहे होंगे वो फाइबर्स कॉलेजन भी हो सकते हैं जो स्ट्रेंथ देंगे इलास्टिन भी हो सकते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी देंगे तो इनके फाइबर्स स्ट्रेंथ भी दे सकते हैं इलास्टिसिटी भी दे सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी दे सकते हैं लेकिन ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स नहीं होते और हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में क्या जानेंगे कि इनके अंदर वो सेल्स भी होते हैं जो पॉलीसेकेराइड सिक्रियट कर रहे हैं मैट्रिक्स बनाने के लिए क्योंकि फाइबर्स इनका स्ट्रक्चर बना रहे हैं फाइबर इनके स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं और बाकी का मैट्रिक्स बनाने के लिए पॉलीसेकेराइड का सिक्रीशन होता है इनके सेल्स और फाइबर्स के बीच में ये मैट्रिक्स एक्यूमुलेट हो जाता है आप तीन तरीके के कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू शुरू करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू से लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होंगे फाइबर्स सिक्रीट करने के लिए फेगोसाइटिक सेल्स होंगे माइक्रोफेज और मास्ट सेल्स होंगे हिस्टामिन रिलीज करने के लिए फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो फाइबर्स सिक्रीट करेंगे क्योंकि इसका नाम लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो ये फाइबर्स लूजली अरेंज होते हैं अपने मैट्रिक्स में दो तरीके के लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम पढ़ते हैं एरेलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एरेर कनेक्टिव टिश्यू भी स्किन के बिनीत होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू भी मेनली आपको अंडर स्किन ही मिलता है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और मेजरली एपिथेलियम का सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाता है कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू के नीचे ही प्रेजेंट होते हैं इनके बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है तो टिश्यू का मेन काम होता है एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करना वही एडिपोस टिश्यू भी स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होते हैं बट ये एपिथेलियम को सपोर्ट नहीं करते इनमें एडिपोसाइट सेल्स होते हैं जो कि फैट की स्टोरेज करते हैं ये एक्सेस न्यूट्रिएंट जब भी जरूरत पड़ती है तो हम ये जो फैट यहाँ पर स्टोर होता है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स में जिसकी हमको जरूरत है जो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास एक्सेस है उन्हें हम फैट में कन्वर्ट कर इस टिश्यूज के अंदर स्टोर कर देते हैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर आपके सामने लूज कनेक्टिव टिश्यू और रेडिपोज टिश्यू दिखाया गया है योर और एनसीआर नेक्स्ट कनेक्टिव जो आपको पढ़ना है, वो है. होते है, होते है. दो तरीके के हमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इेगुलर कनेक्टिव डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में यही डिफरेंस है कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं कॉलेजिन फाइबर्स जो यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, वो रोज़ में प्रेजेंट होंगी बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं टेंडेंस और लिगामेंट्स। टेंडेंस वो होते हैं जो मसल्स को बोन से अटैच करते हैं लिगामेंट्स वो होते हैं जो एक बोन को दूसरी बोन से अटैच करते हैं डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिशू की अरेंजमेंट फाइबर्स की इरेग्युलर होती है इनके अंदर जो फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स हैं जो कि मेजरली कॉलेजन के बने होते हैं वो डिफरेंटली या रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं और ये टिश्यू स्किन में प्रेजेंट होता है फिर आपके पास आते हैं थर्ड टाइप के कनेक्टिव टिश्यू दैट आर योर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू स्पेश कनेक्टिव टिश्यू में हम तीन एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं कार्टिलेज बोन और ब्लड शुरू करते हैं कार्टिलेज से कार्टिलेज के अंदर इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स सॉलिड और प्लायबल होता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कॉन्ड्रियोटिन सोल्ड्स की डिपोजिशन होती है जो कंप्रेशन को रेजिस्ट कर सकती है कार्टिलेज के सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइड्स कहते हैं जिनकी फॉर्मेशन कॉन्ड्रो ब्लास्ट सेल्स करते हैं जिनकी फॉर्मेशन कॉन्ड्रो ब्लास्ट सेल्स करते हैं ये कार्टिलेज के सेल्स स्मॉल कैविटीज में प्रेजेंट होते हैं और ये स्मॉल कैविटीज मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती है जिन्हें हम लेखना कहते हैं कार्टिलेज आपको ज्यादातर

दूसरा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जो हमें पढ़ना है वो हमारे पास है बोन ये कार्टिलेज से डिफरेंट है क्योंकि यहां पर जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड और प्लायबल नहीं है वो हार्ड और नॉन प्लायबल है इसके हार्ड होने का रीजन है कि कैल्शियम सोल्ट की डिपोजिशन होती है और यहाँ पर कॉलिजिन फाइबर्स प्रेजेंट है जो कि बोन को स्ट्रेंथ देते हैं वहीं पर कार्टिलेज में आपको इलास्टिन फाइबर्स का नंबर कंपेरेटिवली ज्यादा मिलता है बोन सेल्स को ओस्टिड कहते हैं जिन्हें ओस्टिओ ब्लास्ट सेल्स फॉर्म करते हैं ये भी मैट्रिक्स में स्पेस में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लेक्यूना कहते हैं एक लेक्यूना में आपको एक ओस्टियोसाइट मिलता है बोन के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं तो बोन हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बना रहा है हमारे सॉफ्ट टिश्यूज और ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है जो हमारी लिम्ब की बोन्स हैं उस पे हमारी बॉडी का पूरा वेट है ये हमें लोकोमोशन और मूवमेंट में मदद करते हैं और कुछ ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन भी करते हैं क्योंकि बोन के अंदर जो बोन मैरो कैविटी है जो हमारा रेड बोन मैरो है वहां पर ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है फॉर्म एलिमेंट्स की फॉर्मेशन हो रही है तो ये फंक्शन हो गया हमारे पास बोन के और जो तीसरा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू हमें याद रखना है वो होता है ब्लड ब्लड फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड में प्लाज्मा आ जाएगा फिफ्टी पार्ट और बाकी फॉर्म एलिमेंट्स में आ जाएंगे आरबीसी डब्ल्यू बी एंड प्लेटलेट्स यहीं से आपके सब्सटेंसेस की सर्कुलेशन होती है पूरी बॉडी में इतना हमें जानना था कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जिस थर्ड टिश्यू के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो हमारे मसल्स के टिश्यू हैं मस्कुलर टिश्यू हैं मसल टिश्यू फाइबर्स के बने होते हैं लॉन्ग सिलेंड्रिकल की फाइबर्स होती हैं मसल फाइबर्स में बहुत सारे माओफेब्रिल्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं रिलैक्स भी कर सकती हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएंगी रिलैक्स जाएंगे करेंगे, तो ये लेंथ लेंथ हो हो जाएगी जाएगी लेंथन या में इंक्रीज हो जाएंगी और यही कॉर्डिनेटेड फैशन से आपके अंदर मूवमेंट क्रिएट होती है तो मसल्स हमें लोकोमोशन और मूवमेंट में मदद करती हैं तीन तरीके की मसल्स हम पढ़ते हैं स्केलेटल मसल्स स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स जिनके डायग्राम आपके सामने यहां पर गिवन है इनके इसके जो कुछ बेसिक डिफरेंस है उससे हमें कई बार क्वेश्चन मिलते हैं तो हम देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास आती हैं स्केलेटल मसल्स स्केलेटल मसल्स स्ट्रिएटेड होती हैं और वॉलेंट्री मसल्स होती हैं ये हमारी स्केलेटल बोन से अटैच्ड होती हैं जैसे कि हमारी बाइसेप्स की मसल्स हो गई इनमें स्ट्रिएशन प्रेजेंट होता है ये एक दूसरे के साथ बंडल्ड होती हैं इन पैरेलल फैशन फैशन इनके बाहर एक टफ कनेक्टिव टिश्यू की शीथ प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं पैरी मायसि सेवरल बंडल्स ऑफ मसल्स फाइबर्स उसके अंदर एनक्लोज्ड होती हैं तो ये आपके सामने स्मूथ मसल का डायग्राम गिवन है स्मूथ मसल के बारे में एक पॉइंट और आप याद रख लीजिए कि स्मूथ मसल्स मल्टीन्यूक्लियेटेड स्केलेटल मसल्स सॉरी स्केलेटल मसल्स मल्टीन्यूक्लियेटेड होती हैं मल्टीन्यूक्लियेटेड होती हैं एंड दे आर नॉट ब्रांच्ड इनमें ब्रांचेस नहीं है। फिर हमारे पास आती है स्मूथ मसल जिनमें कोई स्ट्रिएशन नहीं होता जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इनको विसरल मसल्स भी बोलते हैं ये इन है शेप आप देख पा रहे हो फ्यूजी फॉर्म है कुछ इस तरीके से ये यूनि न्यूक्लिएट होती है ये यूनि न्यूक्लिएट होती है एक ही न्यूक्लियस एक सेल में प्रेजेंट है और ये भी नोट ब्रांच होती है इनके अंदर आपको कोई स्ट्रिएशन देखने को नहीं मिलता है सेल जंक्शन इनको एक साथ होल्ड करते हैं बंडल करते हैं और इनके बाहर भी कनेक्टिव टिश्यू की शीत प्रेजेंट होती है इनके बाहर भी कनेक्टिव टिश्यू की शीत प्रेजेंट होती है ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वोल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स में जैसे कि ब्लड वेसल्स में स्टमक और इंटेस्टाइन में फिर हमारे पास आती है कार्डियक मसल्स ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू हैं इन मसल्स हैं जो आपको हार्ट में मिलती हैं यहां पर जो सेल जंक्शन होते हैं वो कार्डियक मसल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज कर देते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ रहें और एक सिंगल यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करें एक स्पेशल कम्युनिकेशन जंक्शन आपको मिलेंगे जिन्हें आप क्या कहते हैं एक स्पेशल कम्युनिकेशन जंक्शन हमें यहाँ पर मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरकेलेटेड डिस्क इंटरकेलेटेड डिस्क

न्यूरॉन्स के बाहर उनकी प्रोटेक्शन और सपोर्ट के लिए उनके आसपास न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं तीन तरीके के न्यूरोग्लियल सेल्स हैं एक आपको याद रखने हैं एस्ट्रोसाइट दूसरे आपके पास आएंगे माइक्रोग्लियल सेल्स और तीसरे सेल्स होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट ये तीन सेल हमारे पास आते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं दे मेक मोर देन हाफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू फिर अगर मैं बात करूँ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की तो सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगे टिश्यू से ऑर्गन और फाइनली ऑर्गन सिस्टम बनेंगे ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है ये बेटर वे में कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेट coordinate कर पाएगी हमारे सेल्स की एक्टिविटी को ऑर्गन इज अप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यूज कई ऑर्गन में एक से ज़्यादा टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं जैसे अगर आप हार्ट की बात करो तो हार्ट में एपीथीलियल टिश्यू भी है क्योंकि हम जानते हैं इसके अंदर स्क्वामोज एपिथीलियम प्रेजेंट होता है हार्ट में कनेक्टिव टिश्यू भी है पेरिकार्डियम की जो कवरिंग है वो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है हार्ट में मस्क्यूलर टिश्यू भी है हम जानते हैं हार्ट की वोल में कार्डियक मसल्स प्रेजेंट हैं तो इसके अंदर मस्क्यूलर टिश्यू भी प्रेजेंट होता है फिर आपके पास न्यूरल टिश्यू है आप जानते हो हार्ट के अंदर एसए नोड है जो कि उसका न्यूरल टिश्यू बना रहा होता है तो हर तरीके का टिश्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इतना हमें जाना था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फाइनली आपको पता है एक और ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको पढ़ना है दैट इज कॉक्रोच फटाफट से कॉकरोच को रिवाइज कर लेते हैं कॉक्रोच की मॉर्फोलॉजी भी देखेंगे एनाटमी भी देखेंगे मार्फोलॉजी मतलब उनके एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करना और एनाटमी मतलब उनके इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करना कॉक्रोच का साइंटिफिक नेम पेरी है अमेरिकाना ये नॉकटर्नल होते हैं रात में एक्टिव रहते हैं ओमनी होते हैं और डैम प्लेसेस में रहते हैं आपको ये जनरली ब्राउन और ब्लैक कलर के दिखते हैं बट ये येलो रेड और ग्रीन कलर के भी होते हैं और ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं इनका साइज हम याद रखेंगे वन बाय फोर से थ्री इंचज के हो सकते हैं पॉइंट सिक्स से सेवन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर इनका सिस्टमिक पोजीशन आप जानते हैं ये फाइलम अर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं क्लास इंसेक्टा में आते हैं और इनका साइंटिफिक नेम पेरिप्लैनिटा अमेरिकाना है

और इन तीनों प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए प्रेजेंट होती है एक फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं अर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिला हुआ है अर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से आपको क्वेश्चन मिला हुआ है इनकी बॉडी तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है हेड थोरेक्स और एप्टोमन शुरू करते हैं हेड से इनका हेड ट्राइंगुलर होता है और एक ही सेगमेंट का बना होता है लेकिन वो एम्ब्रियो में सिक्स सेगमेंट्स का बना था और फ्यूज होने से वन सेगमेंट का बना था एडल्ट के अंदर आकर इनमें बहुत इनके हेड में बहुत मोबिलिटी होती है काफी फ्लेक्सिबल नेक इनके पास प्रेजेंट होते हैं हेड पे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एंटीना एक पेयर कंपाउंड आई और माउथ पार्ट इनका माउथ पार्ट बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का होता है

एक पेयर वॉकिंग लेग आती है तो टोटल इनके पास थ्री पेयर वॉकिंग लेग होती है इनके पास जो विंग्स होते हैं वो टू पेयर होते हैं दो फोर विंग्स होते हैं और दो हैंडविंग होते हैं फोर विंग

फीमेल के अंदर सेवेंथ सेगमेंट एथ और नाइन्थ स्टर्न मिलके फीमेल का ब्रूड पाउच बनाते हैं फीमेल के ब्रूड पाउच के अंदर फीमेल का गोनो पोर्ड स्पर्मेथिकल पोर्स जहां से स्पर्म की एंट्री होगी और कोलेट्रल ग्लैंड जिसका सिक्रेशन एग को नरिश कर रहा है ये तीनों चीजें फीमेल के ब्रूड पाउच के अंदर इंक्लूडेड होती हैं और इन तीनों चीजों से आपको क्वेश्चन मिला हुआ है वहीं अगर आप मेल्स में बात करो तो मेल्स में हम ब्रूड पाउच नहीं कहते मेल्स में जेनाइटल पाउच की बात करते हैं जो कि हाइंड एंड ऑफ एबडोम पर होता है नाइन्थ और और नाइन्थ स्टर्न पर प्रेजेंट होता है तीन चीजें जो मेल के जेनाइट पाउच में इंक्लूड होती हैं वो डोसल एनस है डोसल एनस है वेंट्रल मेल पोर जिसे आप गोनो पोर कहोगे और गोनेपोफाइसिस यानी कि मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है मेल में और फीमेल में दोनों में याद रखिएगा दोनों में एनल सरकाई प्रेजेंट होता है लेकिन एनल स्टाइल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है और इस सेंटेंस पे कई बार रिफ्रेम होकर क्वेश्चंस फॉर्म हुए हैं मेल और फीमेल कॉकरोच के बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो मेल कॉकरोच साइज में बड़ा है और फीमेल छोटी होती है मेल के विंग्स एब्डोमेन से लंबे होते हैं लेकिन फीमेल के विंग्स एब्डोमेन तक ही होते हैं मेल का एब्डोमेन नैरो होता है फीमेल का ब्रोड होता है एनल स्टाइल सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है और ब्रूड पाउच मेल्स में नहीं होती सिर्फ फीमेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है अब हम आ गए कॉकरोच के एनाटॉमी पे तो शुरू करेंगे उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो तीन पार्ट्स यहाँ पर आएंगे फोरग्ड मिड गट और हाइड

हाइंड गट की अगर हम बात करें तो हाइंड गट मिड गट से ज़्यादा ब्रोड होती है हाइंड गट के तीन पार्ट होते हैं ईलियम कोलोम रेक्टम और रेक्टम फाइनली एनस से बॉडी के बाहर वेस्ट मटेरियल रिलीज कर देता है डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आता है सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप का होता है ब्लड वेसल्स डेवलप नहीं होती तो ब्लड डायरेक्टली स्पेस में आता है उस स्पेस को हम हीमोसील कहते हैं इनके ब्लड को कहते हैं क्योंकि कलरलेस होता है क्योंकि वो ब्लड कलरलेस होता है उसका प्लाज्मा कलरलेस है और बाकी के कुछ सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट है हार्ट की बात करेंगे तो हार्ट इनके अंदर मस्क्यूलर ट्यूब लाइक है और डोरसेली प्रेजेंट है थोरेक्स और एबडोमिन में डोरसेली एक लाइन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है हार्ट के अंदर हर हार्ट की दोनों साइड पे फनल शेप चेंबर्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम ओस्टिया बोलते हैं यहीं से ब्लड की एंट्री और एग्जिट होती है हार्ट थर्टीन चेंबर्ड होता है याद रखिएगा हार्ट थर्टीन चेंबर्ड होता है और हर चेंबर पर ओस्टिया प्रेजेंट होता है इन्हीं ओस्टिया से हार्ट में ब्लड एंटर भी करता है और एग्जिट भी करता है इनके पास मसल्स प्रेजेंट होती हैं दैट आर नोन एज एलरी मसल्स और ये एलरी मसल्स पेयर होती हैं और ये दोनों ही डेटा याद रखने इंपॉर्टेंट है थर्टीन चेंबर्ड हार्ट होता है और एल मसल्स मसल पेयर प्रेजेंट होती हैं ओस्टिया हर दोनों साइड पे हार्ट के प्रेजेंट होता है तीसरा सिस्टम जिसके बारे में आपको जानना चाहिए दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया फॉर्म करते हैं ट्रैकिया बॉडी के बाहर ट्रैकिया हर एक सेल को एयर सप्लाई करता है बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स ओपन होती ट्रैकियोल्स में और ट्रैकियोल से ऑक्सीजन बॉडी के हर एक सेल को दिया जाता है जो स्पायरिकल्स प्रेजेंट होती हैं इनके पास स्पिंग भी प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट होते हैं पारिकल्स की ओपनिंग पे स्पिंग प्रेजेंट होते हैं जो कि इनकी ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं जो एक्सचेंज होता है हर एक सेल के साथ एयर का वो ट्रैक्यूल्स पे होता है और ये एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद हम रिवाइज कर लेंगे सर्क्यूलेटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले इनका जो वेस्ट है वो यूरिक एसिड है या यूरिकोटेडिक होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं जो कि मिडगर्ड और हाइडगर्ड के जंक्शन पर प्रेजेंट थे

तीन गैंगलिया थोरेक्स में होते हैं और सिक्स गैंग्लिया एबडोमन में प्रेजेंट होते हैं एक गैंगलिया ब्रेन में प्रेजेंट होता है या सेरिब्रल पे प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सुपराइसो फीसियल गैंगलिया यही कॉकरोच का ब्रेन बनाता है और ये नर्व्स देता है एंटीना और कंपाउंड आई को हेड के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत थोड़ा सा है बाकी का पूरा नर्वस सिस्टम बॉडी के वेंट्रल पार्ट पर प्रेजेंट है इसीलिए अगर हम कॉकरोच का हेड कट भी कर दें तब भी वो एक वीक तक जिंदा रह सकता है इस पॉइंट पे आपको कई बार क्वेश्चन मिल जाता है इनके अंदर सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिनमें इनके एंटीना आते हैं इनके आईज इनके पास कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है मैग्जिला पर मैगजिलरी पैल्प हैं लेबिया पर लेबियल पैल्प हैं और का ये सब इनके सेंसरी ऑर्गन की तरह बिहेव करते हैं एंटीना इनके सेंसरी रिसेप्टर हैं जो एनवायरनमेंट में होने वाले हर चेंज को सेंस कर सकते हैं कंपाउंड आई इनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कंपाउंड आई 2000 थाउजेंड हेक्सागोनल ओमिटीडिया से बना है इस नंबर पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने ओमिटीरिया से कंपाउंड आई बनती है ओमिटीडिया की वजह से कॉकरोच एक ऑब्जेक्ट की सेवरल इमेजेस बना सकता है ऐसे विजन को मोजैक विजन बोलते हैं ये विजन की सेंसिटिविटी ज़्यादा है बट रेजोल्यूशन कम है जिसकी वजह से कॉकरोच नाइट में अच्छा देख सकते हैं और नॉक्टर्नल विजन इनके पास होता है नव सिस्टम के बाद लास्ट सिस्टम जो आपको कॉकरोच के बारे में पढ़ना है वो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जान लीजिए कि कॉकरोच डायशियस है यानी मेल और फीमेल बॉडी अलग है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस आ जाएंगे वन पेयर टेस्टिस सेमिनल वेसिकल्स एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया टेस्टिस फोर्थ से सिक्स्थ अबडोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है हर टेस्टिस टेस्टिस से निकलती हैं थिन वास्ट डिफरेंस जो जाती है सेमिनल वेसिकल में इजैक्यूलेट्री डक्ट से जाके मेल गोनोपोर से बॉडी के बाहर आ जाती है हर एक का फंक्शन देख लेते हैं हम सेमिनल्स की अगर आप बात करोगे तो वो स्पर्म्स को स्टोर करते हैं स्पर्म को ग्लू कर बंडल बनाते हैं उस बंडल को कहते हैं स्पर्मेटोफोर और यही स्पर्मेटोफोर कॉपुलेशन के टाइम डिस्चार्ज होता है फिर आपके पास आती है एक्सेसरी ग्लैंड एक्सेसरी ग्लैंड में आपको याद रखनी है मशरूम शेप्ड ग्लैंड जिन्हें यूट्रिकल ग्लैंड भी बोलते हैं ये सिक्स टू सेवेंथ अपडोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती है और फेलिक ग्लैंड भी यहाँ पर आती है इनका एक्सेसरी ग्लैंड का सिक्रेशन स्पर्म्स को नरिशमेंट देता है फिर आपके पास आता है एक्सटर्नल एक्सटर्नलिया जैसे आप बोलते हैं, या फिर ये होते हैं के बने हुए एक जो कि मेल गोनोपोर को सराउंड करते हैं फिर आपके पास आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इंक्लूड होती हैं टू लार्ज ओवरिसक

एट मिलीमीटर लॉन्ग होता है अगेन ये है एट मिलीमीटर लॉन्ग होता है एक फीमेल एक फीमेल नाइन टू टेन ऊ थीका को ले करती है एक बार में जिसके अंदर फोर्टीन टू सिक्सटीन एग्स प्रेजेंट होते हैं नाइन टू टेन ऊीका ले होते हैं और वन ऊ थीका में फोर्टीन टू 16 एग्स प्रेजेंट होते हैं

क्रोमेटबोलेस डेवलपमेंट होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और ऊथिका के अंदर फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट होते हैं 9 टू 10 ऊथिका एक बार में ले होती है और हर ऊथिका में 14 टू 16 एक्स प्रेजेंट होते हैं कोकरच की कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है हालांकि ये पेस्ट है हालांकि ये पेस्ट है क्योंकि ये फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं उसको कंटामिनेट करते हैं और ये बैक्टीरियल डिसीज भी है, है। यहाँ पर आप उन चीजों को रिवाइज कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की रिविजन के साथ थैंक यू सो मच